हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों, ये अश्वगंधा लगाने का समय आ गया है। जो ये अगस्त तो सितंबर में आपका अश्वगंधा लगाया जाता है। आखिर में ऐसा हर एक, जहाँ तक देखा होगा आपने मेरे वीडियो में, मैं हमेशा सितंबर और अगस्त में आपको अश्वगंधा लगाने के लिए आखिर क्यों बोलता हूँ, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अश्वगंधा लगाने का जो एक साइंटिफिक टाइम है वो कौन सा है। तो दोस्तों, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अश्वगंधा आप जानते होंगे कि दो समय में लगाया जाता है। एक आपका बारिश का अश्वगंधा लगता है और एक आपका जो ठंड का अश्वगंधा लगता है। तो दोनों लगा सकते हैं दोस्तों, पर जो एक साइंटिफिक जो है टाइम की, इस समय आपका लगाएंगे तो जिससे आपका प्रोडक्शन, बीमारियां जो बहुत सारी आती है उससे आप बच सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर आप बारिश में लगाते हो तो बारिश में लगा सकते हो दोस्तों, पर एक इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो इसका बीज रहता है वो बहुत हल्का रहता है। तो हल्का होने के कारण दोस्तों ये है कि जब आप खेत में डाल देंगे और उसके बाद जब पानी, जो बारिश है वो एकदम से अचानक हो जाती है या फिर ज़्यादा बारिश गिरती है, तो उससे ये होता है कि दोस्तों इसका बीज इतना हल्का रहता है कि ये बिल्कुल आपके साथ पानी के बहाव के साथ बह जाएगा और आपका खाली खेत पूरा हो जाएगा। और अगर बाई चांस कभी आपका उग भी आता है तो उसमें ये है दोस्तों कि इसके जड़ और पौधे गलने की समस्या हो जाती है ज़्यादा पानी गिरने के कारण। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप लगाते हो जैसे अश्वगंधा और ठंड के टाइम में लगाते हैं, तो ठंड के टाइम में ये दोस्तों कि जैसे अक्टूबर नवंबर में आप लगाते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहाँ ये आती है कि जैसे आप जानते हैं कि अश्वगंधा 6 महीने 5 महीने की लंबी फसल होती है। तो दोस्तों, अगर आप लगाते हो अक्टूबर नवंबर के समय में, तो इसमें दोस्तों जो है पानी की, जिसके पास पानी नहीं है उसको पानी की समस्या बहुत आती है। और दोस्तों इसमें यह है कि ये जब आप इसको अगर ज़्यादा पानी भी देते हैं उस समय में, तो दोस्तों ये अगर आपकी बनती भी जड़ें मोटी, तो वो ज़्यादा पानी के कारण आपकी दोस्तों जो है इसकी जो जड़ें हैं वो आपकी बिल्कुल सूखने के बाद बिल्कुल पिचक जाती है। और उसमें जो पाउडर जो भराना चाहिए या फिर जो माल बनना चाहिए वो आपकी उस तरीके की क्वालिटी नहीं बन पाती। तो दोस्तों, अगर आप लगाते हो इधर सितंबर और अगस्त में, अगस्त जैसे आखिरी में बताता हूँ और सितंबर में आप पूरे महीने में लगा सकते हो। मैं दोस्तों ये भी नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल इसके लिए खाली रखिए खेत आपका। जैसे भी अगर आप मक्का, सोयाबीन जो भी लगाते हो बरसाती फसल, वो आपके ज़्यादातर अगस्त आखिरी में या फिर सितंबर के 15 तारीख के बीच में आपकी पूरी खेत खाली हो जाते हैं। तो दोस्तों उस समय में जब आपकी फसल निकल जाए, उससे 5 से 5, 10, 15 दिन के अंदर में आप बिल्कुल ये वाली फसल लगा दीजिए। तो दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं बात करूं तो इस समय आपकी हल्की हल्की बारिश होती है तो आपके जो बीज है वो ज़मीन में नमी बनी रहेगी, तो आपको पानी घुमाने की भी ज़रूरत नहीं और बहुत अच्छे से अंकुरित भी होंगे। और अगर मैं बात करूँ सितंबर में हल्की सी धूप भी रहती है, हल्की सी बारिश भी, तो दोस्तों ये आपके बीज के जनरेशन को बढ़ा देती है। और उसी के साथ में अगर ये आपका पौधा बाद में बढ़ता है तो दोस्तों वो उसकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो आप बढ़ा देती है पौधे की, और उससे कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर आप क्यों लगाइए। दूसरा ये है कि अगर आपने सुना होगा कि, या फिर कहीं देखा होगा कि जैसे अश्वगंधा 4 पानी 5 पानी में भी हो जाता है, तो अगर आप इस समय में लगाते हैं तो दोस्तों ये आप बात मानिए, सही में आपका जो है वो 4 5 पानी में हो जाता है अश्वगंधा। क्योंकि दोस्तों जैसे अगस्त के टाइम में, सितंबर के टाइम में जो धरती में जो नमी रहती है वो आपके दिसंबर तक बनी रहती है, तो आपको बिल्कुल इस समय आपको ना पानी की चिंता है ना कुछ। जो बीमारियां भी रहती है दोस्तों वो हल्के हल्के पानी गिरने से आपके जो है पौधे धुलते रहते हैं, और जिससे बीमारी भी नहीं लगती है। जहाँ तक है दोस्तों, अश्वगंधा में कोई बीमारी भी नहीं लगती है, और उससे कोई जो रहते हैं जंगली जानवर या फिर जो आपके पालतू जानवर है वो भी इसे नहीं खाते। तो ये दोस्तों एक एडवांटेज है अश्वगंधा का। उसी के साथ में दोस्तों जैसे अगर आप इसमें, आपको दिसंबर तक बिल्कुल इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद दोस्तों जो पानी लगता भी तो वो दिसंबर जनवरी के बाद में लगता है, जब तक आपका पौधा बहुत बड़ा भी हो जाता है और फैल भी अच्छे से जाता है। तो
उसके बाद आपको जो लगता है पानी, तो वो आपको 2 से 3 पानी में या आपके दिसंबर जनवरी के बाद में दोस्तों हो जाता है। अगर जैसे आप लेट लगाते हैं नवंबर दिसंबर के टाइम में या फिर अक्टूबर के टाइम में, तो दोस्तों जो आपका वो पौधा अश्वगंधा का है वो आपका जो है मार्च अप्रैल तक जाता है। तो जैसे कि फरवरी के बाद से गर्मी पड़ना चालू हो जाती है, तो आपका पौधा क्या ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण आप उसमें ज़्यादा पानी देते हैं, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पानी देने के कारण आपकी जो जड़ें जब निकलती है दोस्तों, तब बात मानिए अगर ज़्यादा पानी आपने अश्वगंधा को दिया उस समय में, तो ये होता है कि आपकी जड़ें बिल्कुल पोची हो जाती है। और अगर आपने उसको कम पानी भी दिया, गर्मी ज़्यादा होने के कारण पौधा पानी भी मांगता है, अगर आपने उसको कम पानी भी दिया तो दोस्तों उसमें ये है कि आपके जो पौधे हैं वो कहीं ना कहीं सूख जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा समस्या आती है दोस्तों। तो इस कारण मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ये आपके अगस्त आखिरी में और सितंबर के पूरे महीने में, पूरा है दोस्तों 30 तारीख तक रहता है पूरा, आप उस पूरे महीने में लगा दीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका ये फ़र्क भी होता है कि आपका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, आपको मेहनत भी कम करने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की जो समस्या रहती है वो भी आपकी कहीं ना कहीं इस समय से दूर हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस समय में अपने अश्वगंधा की खेती कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। उसी के साथ में आपके अगर कुछ क्वायरी रहती है या फिर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं जो आयुर्वेदिक खेती उससे रिलेटेड में किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो दोस्तों आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़ के रहना चाहते हैं तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।